गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी आओ आपां फतेह दी सांझ पौने हाँ। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। साहिबे कमाल धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्हां द्वारा कीतियां होईयां भविखबाणियां जो अज सच साबित हो रही ने। गुरु साहिबान ने जो जो गल्लां कहियां कली कली गल कला कला बोल 100% सच होया है। 99 भी नहीं कह सकते 100% सच होया है। 1984 दे विच दरबार साहब दे उपर हमला हुंदा है। गुरु साहब ने 100 साखी दे विच अज तो 300 साल पहला ही दर्ज कर दिता सी कि राज चल सी रंडी का ते हरमंदर साहब दे उपर अटैक करवाएगी। गुरु साहब ने भविखबाणी की कि 2024 दे विच मोदी राज दा अंत होवेगा। सो वीडियो दे तुसी लास्ट तक जरूर बने रहो। कली कली गल तुहानू दसांगे कली कली तुक तुहानू पढ़ के सुनावांगे। जेकर तुसी साडे चैनल दे उपर नवे हो साडा चैनल सबसक्राइब करके बैल आइकन दबा दिओ ताकि आउण वाली वीडियो दी जो नोटिफिकेशन है बड़ी आसानी दे नाल तुहाडे तक पहुँच जाए। साध संगत जी अज आपां जिक्र करांगे साहिबे कमाल सरबंस दानी धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। उन्होंने जो जो भविखबाणियां कीतियां चाहे वह करोना नूं लैके होवे चाहे मोदी राज नूं लैके होवे कि परजा जो है वह इन्नी तंग आ जाएगी कि राजा अपनी परजा ते जुलम करेगा। साध संगत जी ये हकीकत दे विच होया है। तुसी देखिया होना है किसानी अंदोलन के उपर अपना जो मुल्क का राजा सी वह किन्ने जुल्म कर रहा सी ते ओही जुल्म हुण पहलवाना के उपर भी हो रहा है। तुहानू पता ही होना है कि पहलवान भी दिल्ली के विच धरने ते बैठे ने। ये सब गल्लां गुरु साहब ने 100 साखी के विच दर्ज कीतियां होईयां ने। करोना की बीमारी आई सी उस दे बारे भी गुरु साहब ने दर्ज किया सी। 100 साखी दे विच दर्ज है तुसी आप पढ़ सकते हो। तुसी लास्ट तक बने रहना है। कली कली तुक गुरु साहब ने की संकेत दिते ने ते गुरु साहब ने संकेत उदों आपां नूं दे के गए सी जे आपां संभल जांदे ओह गल्लां नूं उदों ही मन लैंदे तां शायद ये भाणा ना वरतदा। गुरु साहब ने संकेत पहले दिता सी। गुरु साहब ने जदों संकेत दिता सी तां संकेत इस लई दिता सी कि इदां होण वाला है तुसी संभल जाओ जे आपां संभल जांदे तां उदां नहीं होना सी। पर आपां गुरु दी तां मननी नहीं। आपां यही देखना है कि गुरु साहब ने कहा देखदे आ हुंदा कि नहीं हुंदा। एक तुक होर पढ़ के सुनावांगे जिस दे विच गुरु साहब ने होर भी भयानक समां जो आउण वाला है उस दे बारे जिक्र किया है। सारे अगे गुजारिश है कि उस तुक नूं पढ़ के समझण दी लोड़ है साध संगत जी। सो पूरी तुक तुहानूं पढ़ के सुनाउंदे आ। सो गुरु साहब कहिंदे ने कत्तक बाद 99 शामल सौवां साल जो बीतेगा सो कहूँ सुनियो करके ख्याल। इस मगर के मास में पड़ेगा कहरी काल ऐन मिले नहीं टूंडिया बुरा होएगा हाल। बहुत बीमारी पड़ेगी तरह तरह के रोग ऐसा पाणा होएगा नहीं कहन के योग। कहो जा पाणा आवेगा एहो जा रोग आवेगा जो कहन दे योग नहीं। खत्म दवाई होएगी होना नहीं इलाज पशु मरे बिन कास के मानस बिना इलाज। गुरु साहब कहिंदे ने कि पशु बिना कास तो मरनगे अते मानस बिना इलाज तो। किड्डा वड्डा संकेत है साध संगत जी। आपां नूं सुचेत होना पैना है। इस भुख दे दुख में ऐसा होए अपमान सिदक सहारा हौसला रहे न धर्म ईमान। छोड़ जाएगी स्त्री अपने पति का साथ जहर देगी पुत्र को माता अपने हाथ। पिता त्यागे पुत्र को पुत्र त्यागे बाप ऐसा होया ना होएगा दुनिया पर में बाप। साध संगत जी गुरु महाराज किड्डा वड्डा आपां नूं संकेत दे के गए ने। हले भी बहुत कुछ इन्हां विचों बीत गया है अते बहुत कुछ होना बाकी है। सो आपां नूं सुचेत रहना है।
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਅੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਚੁੱਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।